एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकते हैं कि मैं अपनी इन समस्याओं से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और यदि आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो वो मेरे समझ से थोड़ी बाहर हो सकती है। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी को खराब कर देती हैं, जिसके कारण वहां कोई भी पेड़ कोई भी घास पनप ही नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटी का कोई घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ते समय एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं और उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वो अगले ही दिन से उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में ला रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का दिल कमजोर पड़ गया और उसने सोचा कि ये इतना मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और मैं इनके घर को बर्बाद कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी वो इधर उधर बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा, अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन वहां जाने का दोबारा निश्चय किया और वो अगले दिन सुबह उठकर उसी पहाड़ी पर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर फिर से बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो इधर उधर जाकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और उनका घर एक बार फिर से नष्ट हो गया। और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने उनके घर को अच्छी तरीके से तबाह कर दिया है, अब तो वो चींटियां अपना घर यहाँ किसी भी तरह से बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने इस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया कि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक अपने घर लौट आया। आज रात को सोते हुए वो युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा जी उससे ये सही काम करवा रहे हैं? किसी का घर तबाह करना क्या किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना तो क्या होगा? अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों। लेकिन फिर उसने निश्चय किया, पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, फिर पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे।
यही सोचकर वो रात में फिर से सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर फिर दोबारा उस पहाड़ी की ओर चल देता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि मेरा रोज रोज यहाँ पर आने से क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। लेकिन महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने के लिए कहा, लेकिन आज तो 3रा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उस महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों के द्वारा ही बनाया गया था, मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और वो अपने नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां उसी तरह से अपने कार्य में लगी हुई थी। जो पुराना घर टूटा था तो वहां पर अनाज के कण बचे हुए थे, तो चींटियां वहां से अनाज के कण इकट्ठे करके अपने नए वाले घर में ला रही थी। यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, वह खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था, उसे दया आ रही थी, वह चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन महात्मा की बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया। तो उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी, इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ वो इन घरों को तबाह कर रहा था। आखिरकार उसने इस घर को भी तबाह कर दिया और बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नए घर को भी तोड़ दिया था। वो इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो बड़े दुखी मन से अपने घर पर वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने की जगह नहीं दे रहा हूँ, वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा दानव होगा जो मेरे से ये काम करवा रहा है। लेकिन उसने वहां जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि चींटियों ने अपने रहने के लिए एक और घर बना लिया था। वो तो पहले से भी अधिक ऊर्जा से काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में ही अपने लिए एक और घर बना लिया था और एक बार फिर से वो अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी से बनी हुई हैं, मैं बार बार इनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है, क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है, बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया और उसने तहस नहस इस तरीके से किया कि इस बार कुछ चींटियों को हानि भी पहुंची और कुछ चींटियां मर भी गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसने चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। रात को सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों के ऊपर बहुत अत्याचार कर चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। और यही सोचते हुए उसने डिसाइड किया कि कल मैं इन चींटियों के लिए आटा लेकर जाऊंगा। तो वो ठीक अपनी सोच के अनुसार पहाड़ी पर चींटियों के लिए आटा लेकर पहुंच जाता है। आज उसके अंदर प्रेम था, प्यार था, उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था। और जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में लगी हुई थी। उसने चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता,
और चींटियों को अपने हाथ से एक आटा खिलाता। 7 दिन बाद वो युवक उन महात्मा जी के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चींटियों का घर बर्बाद करने की पूर्णतः कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, 1 नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, तो मैं मानता हूँ कि मैं आपके काम को पूरा नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं जानता हूँ कि अब आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकता है। मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे आज्ञा प्रदान करें। ये सुनकर हंसते हुए महात्मा ने कहा, अरे बेटा कहाँ चल दिए, बैठो, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी देकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वो चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था, एक बार तो गुस्से में मैंने उनको हानि भी पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, तो मुझे लगा कि मैं इनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं। तो और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय, उनकी सहायता करने की ठान ली और उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है, एक छोटी सी चींटी भी हमको जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसीलिए भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सीख मिली। ये सुनकर युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। और ये सुनने के बाद महात्मा ने उससे कहा, पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा कि बेटा, पहली सीख तो तुमको उन चींटियों से ये लेनी चाहिए कि तुमने कितनी ही बार उनका घर तबाह किया, लेकिन फिर से उन्होंने अपना घर बना लिया, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो तुमको वो चींटियां वहां पर दिखाई नहीं देती थी। जीवन कार्यशीलता का नाम है, पर हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने के बाद ही टूट जाते हैं, और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वो खुद से अपना जीवन खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले क्यों टूट रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम इन चींटियों में देख चुके हो, देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुमसे बहुत बड़ा है, इतना विशाल है, उनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत है कि एक बार घर टूटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार टूटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना नया घर बनाया। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है, हमें ये लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत से कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है और हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार गिर के और बार बार उठ के फिर से प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी और कृपालु हो जाएगी, और हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम खुद ही उनको अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुम्हें लगा कि चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं,
इसी तरह यदि तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए ये दो सीख हमेशा याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और एक चीज याद रखना, एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें उस कर्म का अच्छा परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।